अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं सब। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं बीफ का स्ट्रू। उसके लिए हमने जो प्याज लिए, हमने प्याज लिए 3 से 4 अदद। हमने बड़ी साइज़ की प्याज ली है, उसको हमने बारीक बारीक बिल्कुल कटर की मदद से कट कर लिया है। 1 किलो हमने गोश्त लिया है, इसको अच्छी तरीके से साफ़ करके वॉश करके रख लिया है। 5 से 6 अदद हमने लहसुन की जवे ली है, उसको बारीक कट कर लिया है। थोड़ा सा हमने अदरक लिया है, उसको भी बारीक कट कर लिया है। हाफ़ प्याली हमने तकरीबन, मेरे पास छोटी प्याली है, हमने ये दही ले लिया है। मसालों में हमने लिए हैं साबुत गोल मिर्चें भी लिए हैं, कुटी हुई मिर्चें भी लिए हैं 1 चम्मच, 1 चम्मच धनिया लिया है, 1/2 चम्मच हमने हल्दी ली है, हसबे ज़रूरत नमक लिया है, लौंग लिए 2 से 3 अदद, काली मिर्च लिए हमने, सॉरी बड़ी इलायची लिए हमने 1 छोटी छोटी सी ले ली है, हमने पिसा हुआ गरम मसाला लिया है, थोड़ा सा पिसा हुआ ज़ीरा, भुना कुटा ज़ीरा है ये हमारे पास, हमने ये ले लिया है, दालचीनी लिए, तेज़पात का पत्ता लिया है, 5 से 6 अदद हमने काली मिर्चें ले ली हैं, साबुत ज़ीरा ले लिया है। अब हम पकाने की तरफ चलते हैं। ऑयल हमने ले लिया है, गरम भी कर लिया है। 1 कप हमने ऑयल लिया था, अब हम इसके अंदर प्याज ऐड कर देंगे। प्याज को लाइट होने देंगे। अब आप देख सकते हैं प्याज ने अपना पानी छोड़ना शुरू कर दिया है और नरम भी हो गई है। बस हल्की सी और नरम हो जाए, फिर हम इसके अंदर लहसुन अदरक डाल के बीफ डालते हैं। ये आप देख सकते हैं प्याज हमारा कलर चेंज करना शुरू कर दिया है और अच्छी खासी सॉफ्ट भी हो गई है। अब हम इसके अंदर लहसुन अदरक बारीक कटा हुआ डालेंगे और थोड़ी सी देर इसको भूनेंगे। अब हम इसके अंदर बीफ डाल देंगे। थोड़ी सी इसकी भुनाई कर लेंगे। अब ये देखें गोश्त का भी कलर चेंज हो गया है। अब हम इसके अंदर साबुत गरम मसाला और जो भी हमारे पिसे हुए मसाले थे, नमक वगैरह, हम सब कुछ इसमें ऐड कर देंगे। और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। आप ये देख सकते हैं हमने इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें 5 मिनट इसकी भुनाई करके दही ऐड करेंगे। हमने दही इसमें ऐड कर दिया है। अब इसकी 10 से 15 मिनट भुनाई करेंगे। अब आप ये देख सकते हैं ऑयल आना शुरू हो गया है इसके ऊपर। प्याज भी काफ़ी हद तक हमारी घुल चुकी है। अब भुनाई अच्छी खासी हो गई है, दही ने भी अपना पानी खुश्क हो गया है दही का। अब हम इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे। तकरीबन हम 1.5 गिलास के करीब इसमें पानी डालेंगे और इसे मीडियम आंच पर गोश्त को गलने के लिए छोड़ देंगे। ये देखें 1 गिलास हमने पानी ऐड कर दिया है। अब हम इसके अंदर तकरीबन 1/2 गिलास और पानी ऐड करेंगे। आप ये देख सकते हैं हमने 1.5 गिलास इसमें पानी ऐड करके अब इसको मीडियम आँच पर गलने के लिए छोड़ दिया है। अब जब तक इसका पानी खुश्क होगा, मीडियम आंच रखनी है, ना ज़्यादा कम ना ज़्यादा तेज़। ज़्यादा तेज़ करेंगे तो पानी जल्दी जल जाएगा और गोश्त गलेगा नहीं। और अगर आप मीडियम आंच रखते हैं तो आपका गोश्त भी गल जाएगा और पानी भी हो जाएगा उसी में। हमने कम पानी इसीलिए डाला है कि इसमें प्याज जो है, प्याज भी अपना पानी छोड़ रही है और इतनी हमने भुनाई भी कर ली है, इसीलिए गोश्त काफ़ी हद तक हो गया है। अब हम इसको ढक कर छोड़ देते हैं पकने के लिए। गाइस, अब आप ये देख सकते हैं इसमें ऊपर रोगन आना शुरू हो गया है, गोश्त भी हमारा गल चुका है। अब थोड़ी सी इसकी और भुनाई करेंगे। हमने 1 गिलास इसके अंदर पानी और ऐड करा था क्योंकि हमारा गोश्त में अभी कसर थी। हमने 1 गिलास पानी और ऐड कर दिया था कि तकरीबन 2 घंटे इसको हमने गलाया है दरमियानी आँच पर। अभी भी थोड़ी सी देर और इसको होने देंगे, फिर चलते हैं आगे। ये देख सकते हैं हमारा सालन बिल्कुल रेडी हो
हो चुका है। ऊपर से हमने हरा धनिया डाल दिया है गार्निशिंग के लिए। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही यम्मी सा ये हमारा स्ट्रू रेडी हो गया है। चैनल पे आने के लिए बेहद शुक्रिया। देखते रहें मेरी वीडियो को, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।